हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Examples for fat soluble vitamins are, आपको बताना है कि fat soluble vitamins के क्या example हैं? Riboflavin, vitamin C, vitamin A, D, E, K या फिर niacin? ये बहुत simple question है और ये question बहुत बार exam में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फैट सोल्यूबल विटामिंस कौन से होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों के चारों फैट सोल्यूबल विटामिंस हैं। विटामिन बी और सी, B1, B2, B3, B6, B12 और विटामिन सी जो है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिंस होते हैं। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स इज डैश किलो कैलोरीज पर ग्राम। अगर मैं ग्रॉस एनर्जी वैल्यू की बात करूं फैट्स अंदर, तो कितने किलो कैलोरीज होती है एक ग्राम के अंदर एनर्जी, आपको जल्दी से आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.01, मतलब 9.01 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है हमें फैट्स एनर्जी देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। बाइटोट स्पॉट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, बाइटोट स्पॉट किसकी डेफिशियंसी होती है, वाइटामिन डी, सी, बी या ए? अगर बात करते हैं बाइटोट स्पॉट की, वो आईज से रिलेटेड है, तो जितनी भी डेफिशिएंसीज आईज से रिलेटेड होती है उनका आंसर होता है विटामिन ए। विटामिन B1, B2, B3 की अलग अलग डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन सी स्कर्वी है, विटामिन डी की आपकी रिकेट्स होती है या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थायमिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड डैश। थायमिन क्या है? B1, B2, B3, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड आइसिन। तो थायमिन जो है वो B1 डेफिशिएंसी किस किस क्या क्या हो सकता है, उससे कौन सी डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बेरीबेरी, पेलेग्रा, एनेमिया या फिर स्कर्वी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरीबेरी। बेरीबेरी दो टाइप्स का होता है, वेट बेरीबेरी और ड्राई बेरीबेरी, दोनों B1 से होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ पेलेग्रा की, तो पेलेग्रा जो है वो विटामिन बी डेफिशिएंसी नहीं होती। एनेमिया आप सब जानते हैं आयरन, और स्कर्वी रिलेटेड है विटामिन सी से। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। एक रिच सोर्स बताना है विटामिन सी का। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी के। आंवला, गुआवा, लाइम जूस, ऑल द अबव। अगर आपसे पूछा जाता कि सोर्सेस क्या है विटामिन सी के, तो आपका आंसर आ जाता राइबोफ्लेक, तो आपका आंसर आ जाता ऑल द अबव। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रिच सोर्स क्या है, इनमें से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी किसमें होता है, तो उसका आंसर होगा आंवला। आंवला में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर कंटेन्स गोइट्रोजन्स। जो कैबेज और कॉलीफ्लावर है उससे हमें गैस की प्रॉब्लम होती है। जब भी हम इन दोनों वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर गोइट्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स, नॉट श्योर या फिर नॉट रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो जब भी हम कैबेज और कॉलीफ्लावर कंज्यूम करते हैं तो आपको ऐसा गैस फॉर्मेशन फील होती है बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर गोइट्रोजन्स की प्रोडक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ BMR इज, BMR किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल सा आंसर है इसका, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके लिए ऑप्शंस भी देखने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन से चलता ही आ रहा है फर्स्ट ईयर से। तो अगर अभी भी किसी को नहीं पता है तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज है, इस पे फोकस करें। अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं BMR, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो करेक्ट आंसर है। मैं आगे ऑप्शंस रीड नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टू बीट विद अ रैपिड लिफ्टिंग मोशन टू इनकॉर्पोरेट एयर इज, अगर हमें एक प्रोसेस करनी है जिसमें हमें रैपिड लिफ्टिंग मोशन से बीट करना है और एयर को इनकलकेट करना है अपने फूड के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विप, मैश, बीट या फिर बाइंड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विप। विप प्रोसेसिंग के अंदर हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं एयर का, जैसे आपने सुना होगा विप्ड क्रीम, तो वो इसीलिए की जाती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर थोड़ी सी फ्लफीनेस आ सके। फ्लफीनेस ऐड करने के लिए उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती है एयर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. डश इज डन बाय इमर्सिंग द फूड इन अ लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ कुकिंग से आया हुआ है. एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप फूड को प्रॉपर लिक्विड के अंदर डाल देते हैं और उसको बॉइल करते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट तक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच होने नहीं देते उसका. स्ट्यूइंग, सिमरिंग, स्टीमिंग या फिर ग्रिलिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमरिंग. सिमरिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फूड को फुल लिक्विड पॉइंट के नीचे रखते हैं ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच ना हो सके. आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश इज एन इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कुकिंग. एक ऐसा मेथड जिससे आपका कोई भी पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं होता और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है. माइक्रोवेव कुकिंग, फ्राइंग, सोलर कुकिंग या फिर प्रेशर कुकिंग. माइक्रोवेव कुकिंग में आपका हीट का इनकल्केशन होता है तो वो इको फ्रेंडली मेथड नहीं हो सकता. फ्राइंग आप सब जानते हैं उसमें भी हीट यूज होती है. सोलर कुकिंग या फिर प्रेशर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग में भी हीट का यूज होता है, लेकिन सोलर कुकिंग एक ऐसा मेथड है जो आप डायरेक्टली सन के यूसेज से बना सकते हैं. उसके अंदर कोई भी हीट प्रोडक्शन का यूज नहीं होता, तो उससे ज्यादा इको फ्रेंडली मेथड और कोई भी नहीं होता. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. So kindly share the channel and subscribe it for more videos like this, and I hope these videos will help you prepare your future goal and to accomplish your dreams. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.